तो कैसे हैं आप दोस्तों? ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा जो YouTube में काफी फेमस है। और अगर आपको किसी को सिर्फ बोल के उसकी वाट लगानी हो तो आप इस आदमी से मिल सकते हो जिसका नाम है कैरी मिनाटी। जी हाँ दोस्तों, YouTube के सबसे फेमस सेलिब्रिटी जिसके वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैरी मिनाटी की। और तो और आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि दुनिया की सबसे महंगी बंदूक कौन सी है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे दुर्लभ खून कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे दुर्लभ से भी दुर्लभ ब्लड। तो ऐसे ही गजब से फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिए। चलिए 2 मिनट वेट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, तो आपका ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपको क्या फील होता है, सोचिए जरा। आपने ये सोचा होगा कि आप बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं, ना? लेकिन इसके पीछे का एक गजब सा फैक्ट है, तो जानिए इस फैक्ट के बारे में। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब भी हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो आप अपने आप को खूबसूरत दिखाई देते हो, है ना? लेकिन वास्तव में दूसरों को आप अपने आप से 3 गुना ज्यादा खूबसूरत दिखाई देते हो। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही फैक्ट है कि आप अपने आप को जितना खूबसूरत दिखाई देते हो उससे 3 गुना ज्यादा दूसरों को खूबसूरत दिखते हो। तो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए या फिर घबराना नहीं चाहिए कि हम कैसे दिखते हैं। हम जैसे भी दिखते हैं सब भगवान की देन है। भगवान ने जिसको बनाया है उसमें तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करने जाते हैं तो ऐसी हालत होती है जो आप अपने फोटो में देख सकते हैं। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस से खूबसूरत समझिए। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सुबह सुबह हमारी मम्मी हमें 2-3 बादाम क्यों खिलाती है? इसके पीछे का रीजन ये है कि बादाम के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से आपका दिमाग तेज होता है। और तो और इसका दूसरा साइंटिफिक रीजन ये है कि सुबह सुबह बादाम खाने से आपका पेट भरा रहता है और इस बादाम के अंदर लो फैट होने की वजह से आपका वजन भी नहीं बढ़ता है और आपके बॉडी में सुबह सुबह कुछ हेल्दी चीज जाती है। इस वजह से बादाम आपका वेट कम करने के लिए भी काम आती है, क्योंकि बादाम खाने से आपका पेट आपको भरा हुआ लगेगा, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो जो भी वजन कम करना चाहते हैं वो सुबह सुबह बादाम खाना शुरू कर दे। वैसे आप में से कितने लोगों की मम्मी आपको सुबह सुबह बादाम खिलाती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, काफी दवाई कर ली लेकिन हमारे जिद्दी पिंपल्स हमारे फेस से जाते ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? दवाइयां भी असर नहीं कर रही है, अब जाए तो कहां जाए? तो दोस्तों, इसका निवारण सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट नॉवेल्स में मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए इस फैक्ट के अंदर। दोस्तों, आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको कच्चा पपैया लेना है। जी हाँ दोस्तों, कच्चा पपैया। उस कच्चे पपैये को आप काटोगे तो उसमें से दूध जैसा एक सफेद प्रवाही निकलेगा। उस प्रवाही को आपको रात को सोते समय अपने पिंपल्स के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद हल्की सी मालिश करनी है। ऐसा 1 या 2 महीने तक करने से आपके सभी पिंपल्स गायब हो जाएंगे। दूसरा रास्ता, अगर आपको पपैया पसंद नहीं है तो आप नारंगी भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नारंगी का जो फल है उसकी छाल लेनी है। उस नारंगी के फल की छाल को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। फिर जहाँ पे भी आपको पिंपल है उसमें आपको उस छाल से मालिश करनी है। तो थोड़े दिनों बाद आप देखोगे कि आपके पिंपल्स धीरे धीरे कम होते दिखेंगे। एक बार दोनों चीज ट्राई करके देख लीजिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये फैक्ट नॉवेल्स का वादा है। लेकिन नारंगी की छाल लगाओगे तो थोड़ी सी जलन महसूस होगी, बाद में फैक्ट नॉवेल्स के ऊपर गुस्सा मत निकालिएगा, है ना? फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अब ये फैक्ट है स्पेशली उन लोगों के लिए जिसको डायबिटीज है। जी हाँ दोस्तों, तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स इस फैक्ट को ध्यान से सुनिए, या फिर आपके कोई नजदीकी रिलेटिव को अगर डायबिटीज है तो ये फैक्ट उनके लिए ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि डायबिटीज जिसको होता है उसका लेवल कभी भी बैलेंस्ड नहीं रहता है, या तो कभी कभी बढ़ जाता है या तो फिर कभी कभी घट जाता है। तो डायबिटीज का संतुलन रखने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको हर रोज का 1 एप्पल खाना है। जी हाँ दोस्तों, हर रोज का 1 एप्पल फ्रूट। एप्पल को हर रोज खाने से डायबिटीज पेशेंट का लेवल बैलेंस में आ जाता है, जिससे डायबिटीज पेशेंट को फायदा होगा। और तो और डेली 1 एप्पल खाने से आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है ना? तो स्पेशली जो भी डायबिटीज के पेशेंट है वो हर रोज एप्पल खाना शुरू कर दे, डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हमारे भारत देश में कई सारी जेल है। जी हाँ दोस्तों, कई सारी जेल जिसमें हजारों की संख्या में कैदी मौजूद है। और तो और हर साल तकरीबन 8 से 10 जेल नई बनती है। तो सोचिए कि भारत देश के अंदर कितना क्राइम होगा। लेकिन इस फैक्ट के अंदर हम जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहाँ पे हर साल जेल को बंद करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे कैदियों की कमी है। इस देश का नाम है नीदरलैंड। जी हाँ दोस्तों, इस देश के अंदर क्राइम का प्रमाण इतना कम है, और तो और थोड़ा बहुत भी जो क्राइम बचा है वो भी कम
कम हो रहा है। तो क्राइम कम होने की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट हर साल तकरीबन 19 जेलों को बंद कर देते हैं। सोचिए कि वहाँ पे क्राइम कितना कम होगा, ऐसा अगर हमारे भारत देश में हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, है ना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों ये बिल्कुल गजब सा फैक्ट है कि जब भी आप छींकते हो तब आपकी आंखें बंद क्यों हो जाती है ना। कभी आपने मार्क किया है तो आंखें बंद हो जाने का रीजन क्या है? बहुत ही सिंपल सा रीजन है दोस्तों। जब भी हम छींकते हैं तब हमारी छींकने की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है जिससे अगर छींकते समय नेचुरली हमारी आईज बंद ना हो जाए तो हमारी जो दोनों आईज है वो बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे छींकने की रफ्तार इतनी ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमारी आईज भी बाहर निकल सकती है। और तो जब भी आप छींकते हो तब कुछ मिलीसेकंड के लिए हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है और उसके साथ साथ हमारा दिमाग भी कुछ मिलीसेकंड के लिए बंद हो जाता है। सोचिए दोस्तों छींकना भी कितना भयानक हो सकता है ना। मैंने तो ये चीज महसूस की है, क्या आपने की है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अब बारी आई गजब से फैक्ट की। आपने सभी भगवान के कई सारे मंदिर देखे होंगे, जैसे कि कृष्ण भगवान के मंदिर, शंकर भगवान के मंदिर, अलग अलग माताओं के मंदिर, है ना। कितने सारे मंदिर होते हैं। आप सिर्फ कृष्ण भगवान या हनुमान जी का ही मंदिर ले लीजिए तो सिर्फ आपके शहर में ही कितने सारे मंदिर हो गए। लेकिन क्या आपने कभी ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मा जी का मंदिर जो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है, वो मंदिर जो आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, ये मंदिर राजस्थान के पुष्कर सिटी के अंदर मौजूद है जो पूरे वर्ल्ड में मात्र एक ही है। इस टाइप का दूसरा मंदिर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और तो और ब्रह्मा जी का ये एक लोता मंदिर है। इस मंदिर के अंदर जो ब्रह्मा जी की मूर्ति है वो कई हजारों साल पुरानी है ना दोस्तों। गजब सा मंदिर। एक बार अगर आप राजस्थान जाओ तो इस मंदिर में जाइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आप पबजी या फ्री फायर जैसी गेम तो खेलते ही होंगे, वैसे इस टाइप की गेम्स खेलना हमारे लिए हानिकारक है ना। लेकिन ये फैक्ट कोई गेम के रिलेटेड नहीं है, तो आज इस फैक्ट में हम जानेंगे दुनिया की सबसे महंगी बंदूक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी गन जिसका नाम है पीटर ऑफर साइड लॉक गन, जो आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे महंगी बंदूक जिसकी कीमत तकरीबन 4,60,00,000 रुपए है। सोचिए दोस्तों, 4.5 करोड़ की गन, क्या इसमें हीरे जड़े है? आखिर इतनी महंगी क्यों है वो तो आप फोटो में देख ही सकते हो। और तो और दोस्तों ये बंदूक हर साल सिर्फ 6 ही बनती है। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में सिर्फ 6 ही गन बनती है, क्योंकि इतनी महंगी बंदूक खरीदने वाला तो कोई चाहिए ना। मैं तो इतनी महंगी गन कभी भी नहीं खरीदूंगा, क्या आप खरीदोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे दुर्लभ ब्लड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड। दोस्तों आपने सुना ही होगा कि एबी नेगेटिव सबसे दुर्लभ ब्लड माना जाता है। तकरीबन 160 लोगों में से सिर्फ एक इंसान का ही ब्लड एबी नेगेटिव होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड जो दुर्लभ से भी दुर्लभ है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ध्यान से सुनिए इस फैक्ट को। दोस्तों दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड है आरएच नेगेटिव, जिसका मिलना लगभग इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि ये ब्लड 1 करोड़ में से सिर्फ एक इंसान के अंदर ही होता है, जो दुनिया का सबसे रेयरेस्ट यानी के दुर्लभ से भी दुर्लभ ब्लड है। और तो और इस ब्लड को गोल्डन ब्लड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इतना रेयरेस्ट ब्लड हमारे अंदर होना अच्छी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि कभी भी हमें ब्लड की जरूरत पड़े तो ये ब्लड मिलना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है ना। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों इस फोटो को ध्यान से देखिए, क्या आप इस इंसान को पहचानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये है कैरी मिनाटी जो यूट्यूब के सबसे बड़े सेलिब्रिटी है। अगर आपको सिर्फ बोलने से किसी की वाट लगानी हो तो आप इनसे जरूर मिलिए, और सिर्फ बोलने से ही ये किसी भी इंसान की 1 मिनट में वाट लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैरी मिनाटी एक रोस्टर है जो कोई भी वीडियो की रोस्ट वीडियो बनाते हैं, यानी के उनके बारे में कुछ फनी थिंग्स लेके उनकी मजाक बनाते हैं, और वो मजाक भी बिल्कुल सही होती है दोस्तों। मतलब कि कैरी मिनाटी कुछ ऐसी शख्सियत की रोस्ट करके जो सच्ची में रोस्ट करने लायक है उसकी वीडियो बनाते हैं, और उस वीडियो में जो भी कैरेक्टर है उसकी वाट लगा देते हैं। दोस्तों सोचिए, एक 20 साल के यूट्यूबर ने पूरी यूट्यूब की दुनिया हिला दी। यूट्यूब तो क्या, टिकटॉक की भी दुनिया हिला दी। आपको पता ही होगा कि सिर्फ और सिर्फ कैरी मिनाटी की वजह से पूरा टिकटॉक हिल गया था। इस अकेले बंदे में इतना दम है कि पूरी टिकटॉक के रिव्यूज में सबसे ज्यादा कमी आ गई थी। मतलब कि टिकटॉक के 5 out of 4.5 रिव्यू पॉइंट थे, उसमें से कैरी मिनाटी ने जब टिकटॉक की वाट लगाना शुरू किया तो वो रैंक गिर के सिर्फ 1.3 में आ गए थे। सोचिए कि कैरी मिनाटी में कितना दम होगा। तो हम बात कर रहे थे कैरी मिनाटी के रिलेटेड एक यूनिक फैक्ट की। दोस्तों कैरी मिनाटी यानी के अजय नागर, दोस्तों जब कैरी मिनाटी छोटे थे, जब वो अपने स्कूल में जाते थे, तब उनके टीचर ने ऐसा बोला था कि बेटा अजय, आपको कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन आज आपको पता ही होगा कि कैरी मिनाटी ने अपना खुद का एक साम्राज्य बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, अपना खुद का साम्राज्य, वो भी यूट्यूब के अंदर। कैरी मिनाटी अकेले से सोलो
परफॉर्मर यूट्यूबर है जिसके 24 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है, सिर्फ और सिर्फ कैरी मिनाटी की स्पीच और उनके टैलेंट की वजह से। जी हाँ दोस्तों, 20 साल की उम्र में इतना आगे पहुंचना, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, कैरी मिनाटी का टैलेंट। तो हमें उनसे अच्छी बातें सीखनी चाहिए कि उन्होंने सिर्फ 12 तक ही पढ़ाई की है, फिर भी उनकी नेटवर्थ करोड़ों रुपये है। सोचिए 20 साल की उम्र में नेटवर्थ मिलियंस में होना कोई कम बात नहीं है, है ना। वैसे कैरी मिनाटी मेरे तो फेवरेट है, क्या आपके भी फेवरेट है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपकी कमेंट का आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।